तो यहाँ पे ये मेरी गिटहब प्रोफाइल है और ये मेरा रेपो है फ्रंट एंड जोन नाम से। तो ये मैं जाता हूँ रेपो अपने रेपोसिटरी पे, यहाँ से सर्च करता हूँ यहाँ फ्रंट एंड जोन रेपो। और अब यहाँ पे करना क्या है हमको, वो हमको यहाँ पे सेटिंग में जाना है। सेटिंग के बाद गो टू पेजेस और यहाँ से आपको अपना सेलेक्ट फ्रॉम ब्रांच करना है और यहाँ से आपको ब्रांच चूज करना है। यहाँ से हम मास्टर चूज करते हैं और इसको सेव करते हैं। और इसका रूट जो है सेलेक्ट फोल्डर, ओके ठीक है, इसको रूट ही रहने दे रहे हैं। और कस्टम डोमेन को यूज़ नहीं करना है, अगर आपके पास भी कस्टम डोमेन है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और सिंपली अब आपको करना क्या है, यहाँ से आपको से आपको रूटीन चूज कर लेना है। अब ये आपका हो गया सेट। और ये जो है आपका योर साइट इज लाइव विथ यहाँ पे है, ये आपका ठीक है। अब यहाँ पे मेरा जो कॉफी वाला वेबसाइट है उसका ये फोल्डर है और हम इस कॉफी स्टोर पे जाएंगे फ्रंट एंड जो, ये मेरा रूट यूआरएल है जो कि गिटहब प्रोफाइल का यूआरएल है ठीक है। ये मेन रिपोजिटरी है, अगर आप रिपोजिटरी का नाम इस ऐसा रखते हो तो जो आप रिपोजिटरी का जो यूजर नेम है, जो आपका यूजर नेम है उस नेम से अगर रिपोजिटरी बनाते हो तो ये रूट यूआरएल आपको उस रिपोजिटरी पे टारगेट हो जाता है। उसके बाद आपका वह रिपो कोई दूसरा रिपो तो यहाँ से चलता है। फिर यहाँ पे हमारा है कॉफी कॉफी स्टोर। अब इसके अंदर हमारा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है, तो ये ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हम तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल लगाओगे, अभी मुझे थोड़ा टाइम ले सकता है। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, इसमें इस पे लिखना चाहिए वो बड़ा पड़ेगा, यहाँ पे सिंगल एफ रहेगा। यहाँ पे ये हमारा वेबसाइट हुई है राइट, यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पढ़ा सकते हो। इस तरीके से आप जो है अपनी रिपोजिटरी को लाइव होस्ट कर सकते हो गिटहब पेजेस यूज करते हो। यहाँ पे आप रिएक्ट और नेक्स्ट के प्रोजेक्ट भी होस्ट कर सकते हो ठीक है। मैंने ये पूरा रिपोजिटरी होस्ट किया, आप चाहो तो ये कॉपी का जो है अलग से एक रेपो बना के उसको भी गिटहब पेजेस पे सी पेरेंट भी होस्ट कर सकते हो। बट अभी के लिए मैंने क्या किया कि यहाँ पे मेरे मल्टीपल पेजेस थे तो इनको होस्ट कर लिया। अगर मैं इसको भी चेक करूँ तो वो भी मिल जाएगा यहाँ पे मेरा कॉपी स्टोर, हटा के लिए डालता हूँ तो ये भी आ जाएगा सही। सो होप यू अंडरस्टैंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।